अगर मैं कहूँ कि मैं अभी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे किसी भी घर के बाहर दरवाजा नहीं है, बल्कि कांटे लगे हुए हैं या फिर लकड़ी लगी हुई है, उसके अलावा कोई दरवाजा नहीं है, और उसका रीजन ये नहीं है कि ये लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं, उसका रीजन ये है कि इनके पास में वो रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है जिससे ये अपने घर के बाहर एक गेट तक बनवा सके। तो जानेंगे इस वीडियो में कौन सी प्लेस है, क्या यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो भाई अभी आप ये देखो, पूरा कच्चा घर है, ऊपर जो शेड लगा हुआ है ये यहीं पे खेतों में होती है, उसी से ये बनाया जाता है। नीचे भी पूरा कच्चा है, मतलब आपको पहले मैं घर दिखाती हूँ फिर अंदर दिखाऊंगी ये लोग किस तरह से रह रहे हैं। अगर आप बात करो बारकेडिंग जिसको हम बोलते हैं उसकी, तो पूरे कांटों की इन्होंने लगा रखी है, मतलब किस तरह का कोई गेट नहीं है, सिर्फ ऐसे कांटों को चारों तरफ लगा दिया है और उसके बीच में ये झोपड़ी बना दी है। यहाँ पे एक खाट लगी हुई है जिसमें ये रह रहे हैं। अभी अपन अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार से इनका जीवन है और क्या ये काम करते हैं। पानी को नहीं, लाइट को नहीं, नहीं कोई तार बन गया नहीं है, पूरा दिन गाया आवे तो सारा दिन ढोल बजाते हो क्या? ढोल गाना बजाना करा, टाइम पास करा है। हैं टाइम पास करो तो ढोल बयान शादी वाले घर में नहीं बजाओ, जाओ ना तो ढोल में तो बहुत कमाई हो आजकल। डीजे आजकल तो डीजे चलते हैं, ढोल की कोई नहीं करता, ढोलन को पहुंचा है तो ढोल मतलब वो नहीं, ढोल नहीं बजवाते शादियों में आजकल, बजवाते आजकल डीजे। कहीं भैरू जी का देवता दुका बजावे जन बजावे। तो भाई इनका जो घर है इसमें ये कितने जने रहते हो आप? कितने जने रहते हैं? हाँ मेरे हस्बैंड में और तीन बच्चे। कितने से घर में आप रहते हो? तीन बच्चे, हस्बैंड वाइफ और सासू माँ, छह जने। तो भाई इस इतने से घर में छह जने रहते हैं। ये नीचे आंगन अगर आप देख रहे हो तो पूरा मिट्टी का आंगन है। बच्चों को ये बिल्कुल जो है देसी टाइप का झूला बना के इन्होंने रखा हुआ है, पलंग के दोनों तरफ से रस्सियां बांध के और बीच में ऐसे कंबल वगैरह लगा के। एक दूसरे साइड पे इधर देखो तो माचा लगा हुआ है, और इस साइड पे अगर देखोगे तो इन्होंने जो कवर किया हुआ है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बारिश वगैरह ना आए। यहाँ पे ये पॉलीथिन्स लगी हुई है, जो कट्टे होते हैं ना किसी चीज़ से कट्टे आते हैं वो, तो मतलब पूरा घर जो बनाया हुआ है ये ऊपर से देखो ये पूरा लकड़ी जो होती है, मतलब लकड़ी भी क्या बोलूँ इसको, घास फूस है, घास फूस को दो को जोड़ के बीच में रस्सी से इन्होंने ये करके पूरा घर उस तरह से बनाया हुआ है। बीच में बस ये एक लकड़ी का सपोर्ट है और यहाँ पे इस तरह से ये पॉलीथिन से इसको कवर किया गया, और इतने से घर में ये छः से सात लोग रहते हैं, वो भी तीन बच्चों के साथ। तो ये जो घर है इसका आप बोल सकते हो ये किचन है जो बिल्कुल बाहर है, मतलब ये जब भी खाना बनाएंगे तो इनको धूप का बिल्कुल करेक्ट पूरा सामना करना पड़ेगा, धूप बिल्कुल सामने है। और ये बाहर ही इन्होंने अपने बर्तन वगैरह थोड़े से रखे हुए हैं और यहीं पर ये चूल्हे पर अपना खाना बनाते हैं। पहली पानी होना तो छाटी ना, तो मैं खारो छिड़कली भर जा तो खारो पानी। अच्छा खारो पानी पीता? खारो पानी तो देख लियो ना, छिड़कली नहीं भाई नहीं पी सके यहां को पानी। अच्छा देखो भैया का जिंदा मौजी बैठे तो थे बैठे, बस सिर्फ पर्दो लगा रखे हो तो पर्दो करा कहीं बच्चियां को तो दिखाओ मैंने एक बार। तो भाई इनके घर का अगर आप आंगन देखोगे तो पूरा मिट्टी से लीपा हुआ आंगन है, पूरा कच्चा कच्चा आंगन है। तो काम कई करो थे? काम तो नहीं, खाली भर लिया रुपया, दो महीनों आवे कभी तीन महीनों आवे तो मैं राशन पानी खाई। तो राशन कौन मिले सरकार की तरफ से? तो था राशन कार्ड को नहीं, राशन कार्ड तो पच क्या ले मिले जोर नहीं बोले 35 किलो 35 किलो एक आदमी को एक एक राशन एक ही हमारे पास। अच्छा आपको ही है, रोटी चूल्हा पर ही बनाओ करा।
चूल्हा पर मुर्गिया पाल रखे है। मुर्गी अन्ना कहीं बोले इन्हें कहीं बोले इन्हें ढक्के रखे है। अच्छा आप स्कूल जा रहे हो क्या? स्कूल जाते हो? कौन सा तो स्कूल तो फ्री है ना स्कूल तो जान लागा बारे गरीबी गुंडी आ करे तो काम करवा जावे काम पर के कोई बापड़ा भाटांगे मेला में गया तो अच्छा तीन महीना कर रही है अब भाटांगे लागा मकान तो मकान आना दे जो की मकान आ गया काम काम नहीं करना है थाने काम काम कर आज सोचो ना कि काम मिल जावे काम तो भाई करा खाली बोल रहा है कि मकान बनाना मकान तो इमे कौन मिलो की इंदिरा गांधी आवास योजना बीमा मिलो कौन मिलो बीमा पास हुई है ना लोन वगैरह पास हुई है तो मगर तो पास हुई है कोई नहीं पास है कागज तो पाना डाल लेगा यार पास हुई है तो पास मगर तो मकान नहीं अच्छा तो थोड़ा कागज पूरा को नहीं है कि बैंक की डायरी आधार कार्ड धन आधार कार्ड सब फोटो दी ले पर मां को की नहीं मिल रहा तो पास करेड़ा आगे जेपर कागज दिया बाद मगर मकान नहीं अच्छा फंड तो खाली मारी आवे टूटी आवे टूटी आवे तो कोई भी बच्चा उन पढ़ रही है एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहे आप पढ़ रहे तो बाकी ने तो पढ़ा हो को नहीं अब आता दिन परीक्षा साली दो तीन दिन नहीं है तो छोटा छोटा हाल सब जावे स्कूल आ तो केरी कौन जावे आ कौन जावे क्यों तो ये इनका घर जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे ये रूम है जिसमें ऊपर लगी हुई है ये पट्टियाँ और इस साइड पे आई गेस किचन होगा ये रूम ही है यहाँ पे एक और रूम है जो पूरा ओपन है मतलब इस घर में आपको कहीं पे भी सीमेंट नहीं दिखेगी पूरा पत्थर से ही ये टिका हुआ है और काफ़ी खुला खुला और ओपन ही है जैसे इस साइड जो दिख रही है जैसे विंडोज़ है ऊपर वहाँ पे और इस साइड पे कुछ भी मतलब प्रॉपर नहीं बना हुआ है। 500 रुपया लेगा पेपर के मान दे मकान ना मुझे 500 रुपये खाएगा कि दिए अच्छा मतलब थाना बोलियो कि मकान गणा दे वहाँ और लेर चल गया पीछा और कागज वागज अच्छा तो था वो जो बनाए रहो एक तो वो था खुद बनाए हो खुद बनाए रहो अच्छा चुई में कोई की मकान को नहीं अच्छा ये इधर इनका एक और रूम राम राम सा काई करो है चलो ऐठे रहो कटे रहो थे ठीक अच्छा तो गाया को चारों चार रही हो झोपड़ा में ही रहो कि हाँ झोपड़ा में तो गर्मी कौन लागे गर्मी तो लागे तेरे काई में जो गरीब हाँ पड़े झोपड़ा में काई काम कहीं करो काम की कौन का खेती बाड़ी करा मम पड़ना बकाई काम की काम कौन बच्चा कहीं करे था टाबर बच्चा बकम टपटो करे कई करे कम टबाटो ये कम टबाटो होता ना ये सुन बाटा का हां हां ये काम करे मजदूरी मजदूरी करे कटे अठे चुई में अच्छा तो थाने राशन वाशन सब को सरकार की तरफ मिले राशन काय मिले गो मिले वोट की मिले कोन गो मिले कोरा हां फिर और कोई दाला वाला कोन मिले दाला की नहीं मिले क्यों होवे ओ तारो खेत में खेत है खेत में खेती करो खेती करा खेत थोड़ो ये 6-7 बीघा ही है 6-7 बीघा में कई कई होगा कल बाजरी मूंग गेंद का है अच्छा बाजरी और भैया कोई वो काटो ही गरीब है बहुत बोलो है काटो ही गरीब है वो एक गियोड़ा मार अच्छा कटे गियोड़ा है वो गियोड़ा पंजाब के मैं भट्टा पर अच्छा भट्टा पर इंटरनांग पर
तो वो बैठा हूँ भेजे पीछे कभी कभी कहीं पार पड़े बबी भी पार पड़े तो भी पूरा परिवार ने लेट गए हो क्या किलो है दो सौ आए आपके दो सौ दो आप चार मेंबर है हाँ तो बाको चाल है वो बोलो ही है अच्छा तो भी कोई भी चाल है बैठे भी कोई चाल है अच्छा कौन कौन रहे होते हैं अट्टे हमारे लड़को भी बड़ो है तो लड़को रहे बैठे बिग रूम में अच्छा तो भाई ये इन्होंने इस तरह से यहाँ पे ऐसे शेड लगा रखा है और इसके नीचे यहाँ पे पूरा मिट्टी वाला एरिया बना हुआ है और इसमें बकरियाँ इनकी बंधी हुई रहती है और मैं उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर खेरवाड़ा अच्छा तीन साल ही चलता है तीन साल चलता है फिर क्या करेगा कितने बार बनाएगा हर साल के मैं बनाया जाएगा तीसरी साल तो खत्म हो गया इसलिए लेकिन 15-20 हज़ार रुपया लगता है इसका इसका 15-20 हज़ार रुपया लगता है अच्छा मतलब ये एक घर ने बना 20 हज़ार रुपया लग जावे कच्चा घर को मैं तो सोचती ऐसा फ्री को ही तो माल है फ्री का नहीं एक घर लेके आओ 200 रुपया अच्छा इसमें आदमी बहुत लगते हैं कितना 8 आदमी लगे 8 आदमी 500 रुपया कितना पाँच सौ 500 रुपया की 6 पट्टिया बाप रे एक पाइप 2025 महंगो पड़े नहीं हो नॉर्मल पकड़ लियो कम हाजरी है 400 रुपया नहीं 2000 रुपया हाँ कितना दिन लग गया है बनवा में कितना दिन लगे 5-6 दिन पाँच छह दिन खा जावे रोटी भी खुद ही खिलानी पड़े जो आवे जी ने मतलब जो बना रही है चाय पानी सब सब कुछ हाँ एक आदमी तो है या कौन है 2011 में पास हुआ एक आदमी तो क्या नहीं है मकान किसी के नहीं आया किसी के मकान नहीं आया किसी के नहीं आया 2011 से हुआ कब तक वो जो लोन मिलता है वो मिल रहा है लोन हाउस का जो इंदिरा गांधी आवास योजना में लोन नहीं आया अभी तक की योजना 2011 मेरे पास हुआ अभी तक नहीं देखा अच्छा आपका अप्रूव हो गया था लेकिन आपको नहीं मिला नहीं मिला कहाँ गया वो 2011 से बोल रहा है तुम्हारे मकान आ रहा अभी तक नहीं आया तो आपने मतलब सरकार वो अर्जी दी वापस फाइल किया कुछ कम्प्लेन वगैरह तीन बार कर दिया अच्छा तो यहाँ खा गए लोग क्या हुआ क्या पता उसके पीछे पीछे कितना फिरेंगे हाँ वो बात तो सही है उसके पीछे फिरेंगे तो खाएंगे क्या सीधेगा नहीं तो आप क्या करते हो वैसे ये खेतीबाड़ी का खेतीबाड़ी यहाँ पे सब खेतीबाड़ी वाले ही हैं सब खेती अच्छा ये खेती कमटे भट जाते हैं सब है? मजदूर है सब मजदूर हैं डेली वाले जो मजदूरी करते हैं अच्छा खुद के खेत नहीं है खुद के 4-5 बीघा 2 बीघा 4 बीघा हाँ ज्यादा नहीं ऐसा नहीं है 20 बीघा 30 बीघा कहते नहीं किसी के ही नहीं तो हाँ किसी के कोई भी 10 बीघा खेत है नहीं 5 बीघा 6 बीघा 4 बीघा ऐसा ही कोई है भी नहीं तो भाई इस पूरे एरिया में आपको जो गेट्स है वो किसी के भी घर पे नहीं मिलेंगे किसी के भी घर पे आपको प्रॉपर गेट लगे हुए नहीं मिलेंगे क्योंकि किसी ने इस तरह से जाली लगा रखी है किसी ने इस तरह से लकड़ी का ये लगा के चारों तरफ कांटे लगा रखे हैं तो क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है और ये जो है यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये जो गाय और भैंस का गोबर होता है उससे इन्होंने ये पूरा यहाँ पे रख रखा और ये पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है ये एक तरह से गाय और बकरी को खिलाने के बाद में जो कचरा बच जाता है वो ये पूरा वो है इस साइड पे आपको जो दिख रहा है वो है पूरा मतलब जो गाय और बकरी और सबका जो गोबर वगैरह होता है और कुछ इस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो भाई ये झोपड़े हैं जिसमें ये 50 के टेम्परेचर में जब मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर भी होता है तब भी इस तरह के घरों में रहते हैं जहाँ पे ना ही कोई फ़ैन है ना ही कोई एसी है किसी तरह की कोई भी सुख सुविधाएँ या किसी भी तरह के कोई भी आधुनिक जो संसाधन होते हैं वो कुछ भी नहीं है और इस तरह से आपको यहाँ पे ये जो खाट दिख रही है इसी पे ये लोग सो जाते हैं रात को यहाँ पे क्योंकि मिट्टी है और रेगिस्तान वाला एरिया है तो
ठंडा हो जाता है, इसलिए रात के टाइम पे और सुबह के टाइम पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बट दोपहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो देखा आपने किस तरह से गांव के लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हैं आपके सामने, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई आया है तो ज़रूर उनकी कोई सुनवाई होगी, कोई आएगा तो उनकी हेल्प होगी इस तरह से। तो सब लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है एंड ऑल। ओवरऑल लोगों से बातचीत कर लो, यही उनके लिए काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी उनको सुनने के लिए भी नहीं आ रहा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।